नमस्कार, आज हम लोग क्लास 12 की का आव्यूह पढ़ेंगे, ठीक ना। आव्यूह की प्रश्नावली 3.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आव्यूह क्या होता है, इसकी कोटि क्या होती है, आव्यूह के प्रकार कौन कौन से हैं, तो उनको एक एक करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं, आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स मैट्रिक बोलते हैं, और इसका बहुवचन होता है मैट्रिसेस, ठीक ना। ये हो गया MATRI है ये, ठीक ना, ये मैट्रिसेस। तो इसमें क्या होता है, जैसे किसी भी, इसको बोलते हैं, देखिए कोई संख्या या फंक्शन या फलन, ठीक ना, कोई नंबर हो या कोई फंक्शन हो, उनको पंक्तियों में अरेंजमेंट करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक ना, इस तरह पंक्तियों में, इस तरह क्षैतिज जो रेखा जो लिखी है नंबर, उनको पंक्ति बोलेंगे। तो 4, 5, 6 ये एक पंक्ति में है, ठीक ना। या देखिए, तो इनको इस तरह की ब्रैकेट में रखते हैं, तो ये एक आव्यूह का निर्माण करते हैं, ठीक ना। और इस आव्यूह को हम कैपिटल अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, ठीक ना। कोई भी आव्यूह लिखना हो, ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें, तो इस प्रकार ये आव्यूह प्राप्त होता है, ठीक ना। तो अब देखिए, इसमें देखिए ये जो है क्षैतिज में जो अंक लिखे हुए हैं, इनको ना ये बोलते हैं, ये पंक्तियों में लिखे हुए हैं, ये पंक्ति, तो ये बोलेंगे पहली पंक्ति है, ठीक ना, और ये दूसरी पंक्ति है, पंक्ति है ना, इसको इंग्लिश में रो बोलते हैं, ये रो, ठीक ना। और जो ऊर्ध्वाधर में अंकों अंक लिखे हुए हैं, देखिए ऊर्ध्वाधर 1, 4, 2, 5, 3, 6, तो इनको स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ, स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, ठीक ना। इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, COLUMN, ठीक ना, कॉलम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इस प्रकार अगर इस आव्यूह की बात करें, तो इसमें दो पंक्ति है और 3 स्तंभ हैं, ठीक ना। अब देखिए, ये तो हो गया आव्यूह, अब आव्यूह की कोटि क्या होती है, तो लिखेंगे, देखिए यहां लिख लेते हैं, आव्यूह की कोटि, तो कोटि के लिए क्या लिखते हैं, देखिए यहां लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, ठीक ना, इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक ना। तो यदि पंक्तियों की संख्या, देखिए यहाँ पंक्ति कितनी है, 1, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे स्तंभों की संख्या 1, 2, 3, तो यहाँ 3। तो इस प्रकार आव्यूह ए की कोटि क्या हो गई, 2 गुणे 3। इसमें हमेशा पंक्तियों की संख्या प्रारंभ में होती है, इसके बाद स्तंभों की संख्या होती है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये देखिए आव्यूह के बारे में थोड़ा सा आ गया समय में क्या चीज़ होता है। अब इसके बाद हम लोग इसके आव्यूह के प्रकार की देखेंगे कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके पहले हम लोग इसका पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक ना, इसका व्यापक मान देखेंगे, किस प्रकार आव्यूह को दर्शाते हैं, ठीक ना। तो इसको देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें एक आव्यूह ले लेते हैं हम, ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक ना। तो देखिए, अगर इनकी बात करें, तो इसमें सबसे पहले तो ये जो लिखा है, इसके अंदर अंक जो लिखे हुए हैं, उनको अव्यव बोलते हैं, ठीक ना, ये आव्यू के अव्यव कहलाते हैं, ठीक ना, अव्यव, इसको बोलते हैं एलिमेंट, ठीक ना, एलिमेंट कहलाते हैं ये
अवयव कहलाते हैं। तो इसमें देखिए कितने अवयव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक ना। और अगर देखिए, अगर इसकी कोटि अगर हम लिखना चाहें तो कोटि क्या है, 1, 2, 3 × 1, 2, 3, स्तंभ भी 3 है। तो अगर इसमें अवयवों की संख्या ज्ञात करनी हो, अवयवों की संख्या बराबर, देखिए जो भी कोटि दिया हो उसको लिखकर इसका हल कर लेंगे, 3 × 3 = 9। तो इस प्रकार अगर कोटि, अगर किसी भी अवयव की कोटि ज्ञात, अगर किसी भी अवयव की कोटि अगर ज्ञात हो तो हम उसमें उस अवयव में अवयवों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें अवयव कैसे लिखते हैं, देखिए ये जो है, ये जो अवयव है ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का है ना, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का ये पहला अवयव है, ठीक ना। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें कि दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का ये एक अवयव है, ठीक ना। और ये देखिए ये वाला आठ वाला जो है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का ये एक अवयव है, अवयव है। तो अब देखिए इसका कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए A11, A12, A13, देखिए पहली पंक्ति 111, देखिए पहला जो होता है, पहला हमेशा पंक्तियों की संख्या को दिखाता है और दूसरा ये स्तंभों की संख्या को दिखाता है, ठीक ना। तो देखिए A21, A22, A23, A31, A32 और A33 हो गया, ठीक ना। तो अगर इसको हम ले लें, देखिए क्या है, ये जो अवयव है ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का ये एक अवयव, एक अवयव है। इसी प्रकार ये जो है तीन दीघा है, तो ये हुआ पंक्तियों की संख्या, मतलब ये तीसरी पंक्ति का और ये दो मतलब दूसरे स्तंभ का, ये एक अवयव है, ठीक ना। तो इस प्रकार इसको अवयवों को उनके स्थान को पहचाना जाता है कि किस स्थान पर ये अवयव है, ठीक ना। अब देखें एक समान अवयव देखते हैं, समान अवयव देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए A11 मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का ये अवयव, इसी प्रकार ये 12, ये 13, इसी प्रकार ये A14, ये 1 और 4 इसी प्रकार जाएगा, तो ये M हो गया, A1 और ये N हो गया, मतलब पहली पंक्ति का Nवां स्तंभ है ये, ठीक ना। तो ये देखिए अब इसी प्रकार A21, A22, A23, A24 ... फिर देखिए यहाँ तीन ही दिखा दीजिए, बहुत है, 1, 2, 3, इसके बाद ये है, ठीक ना, चार दिखा दिए, A2N, इसी प्रकार A31, A32, A33, A34 और A3N। अब देखिए इसी प्रकार ये पंक्तियों की संख्या कितनी, डैश 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 कर लें, फिर यहाँ पे देखिए ये AM मतलब यमवां पंक्ति है ये, अब पहला है ना, पहला स्तंभ। इसी प्रकार AM2, AM3, AM4 इस प्रकार ये AMN आ गया, ठीक ना। तो ये समान किसी भी अवयव को दिखाने के लिए ये इस तरह दिखाते हैं। अब देखिए अगर इसकी कोटि देखें तो हम इसमें पहले पंक्तियों की संख्या को लिखते हैं, तो 1, 2, 3, 4 up to M लिखा हुआ है, तो पहले लिखते हैं यहाँ पंक्तियों की संख्या, फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये N स्तंभ हैं, तो ये इस प्रकार हो गया। तो अगर इसमें बात करें कितने अवयव हैं, तो लिखेंगे अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो इसमें कितने पंक्ति हैं, यम हैं और स्तंभ यन, तो इस प्रकार अवयव कुल कितने हो जाएंगे, यम गुणे यन। अब देखिए इसमें अवयव कितने प्रकार के होते हैं उनको पहले अब देखते हैं। तो देखिए लिखें अवयवों के प्रकार,
ठीक ना, इसका एक समान जो फॉर्मूला बनता है इसका, तो इसको लिखते हैं, देखिए ए यहाँ लिख लेते हैं, इसका एक छूट गया। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, ए आई जे, ठीक ना, ये आई जे एक ऐसा व्यू है, इसमें देखिए क्या होगा, आई कहाँ से कहाँ तक होगा, आई बड़ा होगा बराबर होगा एक से, और देखिए पहला वाला पंक्तियों की संख्या को दिखाता है और दूसरा जो आई और जे जो है स्तंभों की संख्या को दिखाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये कहाँ तक जाएगा, यम तक, और जे कितना होगा, बड़ा होगा बराबर होगा एक से लेकर और ये एन तक होगा, ठीक ना, स्तंभों की संख्या एन है। तो इसका इस प्रकार ये यही होता है, ठीक ना, ये फॉर्मूला है किसी भी आव्यूह को बनाने के लिए, ठीक ना। तो ये हो गया, इसको याद रखिएगा, ये एक नंबर में बहुविकल्पी में भी प्रश्न आता है। देखिए आई मतलब पंक्तियों की संख्या, तो एक से होगा और एम तक जाएगा, ठीक ना, और जे स्तंभों की संख्या एक से लेकर एन तक होगा, ठीक ना। अब आव्यूहों की प्रकार देख लेते हैं, तो इसमें पहला है पंक्ति आव्यूह, तो पंक्ति आव्यूह क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रो मैट्रिक, ठीक ना। तो रो मैट्रिक मतलब जिसमें केवल एक पंक्ति हो, तो देखिए इसमें जैसे हो जाएगा एक दो ये हो गया, या तीन चार पांच हो गया, ठीक ना। तो ये जिसमें केवल पंक्ति ही पंक्ति हो, ठीक ना, एक पंक्ति हो, तो ये हो गया। अब देखिए इसका जो कोटि लिखेंगे, तो इसमें एक गुणे दो लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या एक स्तंभों की संख्या दो है। अब इसमें एक दो तीन, तो एक गुणे तीन लिख लिया, ठीक ना। अब इसका इसका मानक समीकरण लिखना हो तो देखिए क्या होता है, ए आई जे, और इसमें आई देखिए आई का मान जो पंक्तियों की संख्या वहाँ वन होगा और जे की वैल्यू यहाँ एन तक जाएगी, ठीक ना। तो इस प्रकार इसका इस प्रकार इसको दिखाते हैं रो मैट्रिक्स को। अब लिखते हैं स्तंभ आव्यूह, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, तो स्तंभ आव्यूह में क्या होता है, इसमें केवल एक स्तंभ हो, जैसे एक दो, या ए बी सी डी इस प्रकार हो जाएगा, या एक दो तीन चार पाँच, ठीक ना। तो ये हो गया, एक आव्यूह बन गया। तो इसकी देखिए कोटि क्या होगी, तो कोटि में पंक्तियों की संख्या कितनी, दो है, दो गुणे एक, या एक दो तीन चार, चार पंक्ति एक स्तंभ, ये पांच पंक्ति और एक स्तंभ, ठीक ना। तो इसमें केवल स्तंभ एक होता है और पंक्तियों की संख्या बढ़ घट सकती है, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक चार पाँच डैश 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 डैश, फिर यहाँ पर एम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ यम गुणे वन हो गया, ठीक ना। तो इसका मानक इस तरह जैसे लिखें, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आई जे, तो यहाँ पर हो जाएगा पंक्तियों की संख्या, ये यम गुणे वन हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार ये जनरल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया इसका स्तंभ का। देखिए अब ये है वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, ठीक ना, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक, ठीक ना। तो स्क्वायर मैट्रिक मतलब देखिए, जैसे जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, दो तीन चार पाँच, ये हो गया। तो देखिए इसमें दो पंक्ति दो स्तंभ, तो ये हो गया दो गुणे दो का हो गया, ठीक ना। अब इसमें एक और ले लेते हैं, दो पाँच छ एक तीन आठ नौ सात पाँच, ठीक ना।
तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 3 की है ना, 3 × 3 जिसकी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो इसको बोलेंगे वर्ग आव्यूह, ठीक ना। तो इसको देखिए इसकी कोटि क्या लिखेंगे, तो देखिए कोटि तो है देखिए 2 × 2 3 × 3, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 3 कोटि की, ये 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है या 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है ये, ठीक ना। इसमें 3 × 3 लिखा है, 2 × 2 लिखा है, तो हम इसको सीधे 3 कोटि की वर्ग आव्यूह बोल सकते हैं, ठीक ना। और इसके बाद देखिए इसमें वर्ग भी कई प्रकार के होते हैं। अब इसका मानक समीकरण लिख लेते हैं, ए आई जे बराबर, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यम गुणे एन, ठीक ना, जहाँ यम बराबर एन है, ठीक ना, एन बराबर यम बराबर एन होगा, मतलब पंक्तियों की संख्या कोटि स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो ये वर्ग आव्यूह का मानक समीकरण हो गया, ठीक ना। अब देखिए वर्ग आव्यूह के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं के, तो लिखेंगे विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा वर्ग आव्यूह, देखिए जैसे कि 2, 3, 4 शून्य 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 शून्य, देखिए ये आया विकर्ण आव्यूह में, देखिए ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके केवल विकर्ण में जो अवयव हैं वही भर रहेंगे, बाकी सभी अवयव शून्य होंगे, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ए आई जे बराबर शून्य, ये कब होगा, जब आई बराबर नहीं होना चाहिए जे के, ठीक ना, जब आई जे के बराबर नहीं है तो बाकी सब जो है अवयव शून्य है। लिखेंगे सदिश अवयव, ठीक ना, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक। तो स्केलर मैट्रिक में क्या होता है, ये एक वर्ग आव्यूह रहेगा और विकर्ण ही आव्यूह रहेगा, मगर इसमें क्या होगा, तो देखिए इसमें हो जाएगा जो विकर्ण में जो आव्यूह हैं वो जिनका मान सेम होगा, जैसे 2, 2, 2, अब बाकी यहाँ पर 0, 0 हो जाएंगे, ठीक ना, ये हो गया। या तो यहाँ पर 4, 4 कर लेते हैं, 4, 4 शून्य शून्य, ये हो गया, ये भी आव्यूह हो गया, ठीक ना, ये सदिश आव्यूह हो गया, ठीक ना, जिसके विकर्ण पर जो अव्यय होते हैं सेम होते हैं, ठीक ना। यहाँ पर विकर्ण अव्यय होता है जिसके विकर्ण में ही केवल अव्यय के अव्यय शून्य के अलावा कुछ भी होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, तत्समक अव्यय, ठीक ना, तत्समक अव्यय मतलब क्या होता है, जिसके विकर्ण में एक हो, बस 1, 1, 1 शून्य शून्य शून्य, ये हो गए, ठीक ना, या 1, 1, 0, 0, ठीक ना। तो तस्मक आव्यूह इसी को बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक, ठीक ना। देखिए एक होता है अब शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, तो इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक, ठीक ना, और इसको नल मैट्रिक बोलते हैं, नल मैट्रिक, ठीक ना, शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक, ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हों, जैसे ये देखिए, ठीक ना, इसके सभी अवयव शून्य हैं, या ऐसे एक, ये देखिए ये हो गया, इसको शून्य आव्यूह बोलते हैं, है ना, या जीरो मैट्रिक बोलते हैं इसको, तो ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए इसको बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज आव्यूह, ठीक ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आव्यूह है मैट्रिक, ठीक ना। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि इसमें हम लिख देते हैं, देखिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर इसका परिभाषा लिखने में इजी पड़ेगा। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए ये हो गया, तो इसमें देखिए क्या है, ये एक क्षैतिज आव्यूह है, ठीक ना, जिसमें देखिए ये है पंक्तियों की संख्या, ये है स्तंभों की संख्या, इसमें लिखेंगे स्तंभों की संख्या
पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है। ठीक ना, तो इस प्रकार हो गया। अब देखिए इसमें ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक ना, तो ऊर्ध्वाधर क्या बोलते हैं, वर्टिकल वर्टिकल मैट्रिक, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, देखिए हम एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक ना। इसका मतलब देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा है, ठीक ना। तो या इसी रूप में लिख सकते हैं, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होती है, ठीक ना। और अगर उल्टा लिखें तो लिखेंगे इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा होती है। तो इस प्रकार क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, शून्यावयवी हो गया, एक होता है, लिख लेते हैं, देखिए एकल अवयव अवयव आव्यूह या सिंगल एलिमेंट मैट्रिक, ठीक ना। तो एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक अवयव हो, जैसे 2 या 4, ठीक ना, इसमें एक ही अवयव होता है, तो इसको बोलते हैं एकल अवयव अवयव या सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए इसमें लिखते हैं अवयवों की समता, लिखेंगे इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक ना। जैसे इसमें क्या होता है, देखिए अगर ये दो अवयवों की समता तभी कर सकते हैं या तुलना कर सकते हैं, देखिए जैसे कि लिखा है ए, यहाँ लिखा है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, बराबर ये लिखिए 2, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ठीक ना। तो इसका मतलब दो अवयव की तुलना तभी हो सकती है जब इनकी देखिए कोटि बराबर हो। देखिए 1, 2, ये हो गया 2 × 3 की है और ये भी 2 × 3 की है। तो इसका मतलब इसके लिए पहली कंडीशन क्या होती है, दोनों अवयवों की कोटि बराबर हो या समान हो, ठीक ना, बराबर या समान हो, ये हो गया। फिर दूसरा क्या होना चाहिए, इसके संगत अवयव, ठीक ना, संगत अवयव बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक ना। देखिए जैसे ये इसके बराबर है ना, प्रत्येक संगत अवयव, संगत अवयव मतलब ये देखिए ये 1 1 है, ठीक ना, देखिए ये 1 1 है, A11, A12, A13, A1, ये 2 1 हो जाएगा, 2 1, A22, A23। तो इसका भी देखिए संगत अवयव का मतलब ये A11 तो ये इसके बराबर, A12 तो मतलब ये इसके बराबर, और ये A13 तो ये इसके बराबर, ठीक ना। इसी प्रकार A21, A22 और A23, तो देखिए संगत अवयव इसके बराबर हैं, इसलिए दो अवयव की समता किया जा सकता है या तुलना किया जा सकता है।